प्रणाम। हाय उशामुद्दीन, मैं तो आदरव, आप सबके बिन वेलकम टू सत्या भैरव चैनल। आप देख रहे हैं सत्या भैरव चैनल। आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक नए पिक्चर के बारे में जो हाल ही में रिलीज हुई है इस शुक्रवार को, पति पत्नी और वो। बाकी पिक्चर काफी अच्छा है, एक पिक्चर थिएटर में देखने लायक है, बाकी एक कॉमेडी है, एक एंटरटेनमेंट है, थोड़ा सेंटिमेंट है, थोड़ा बाकी पिक्चर काफी अच्छा है। मुझे तो ये पिक्चर काफी अच्छा लगा। इस पिक्चर दरअसल ये पत्नी पत्नी और वो दरअसल ये रीमेक है 1978 के पिक्चर का, सेम पिक्चर और सेम नाम में था इस पिक्चर पति पत्नी और वो। इस पिक्चर को रीमेक किया गया है डायरेक्टर अजीज ने। बाकी पिक्चर काफी अच्छा है। इस पिक्चर में दरअसल हीरो के रोल कर रहे हैं हमारे कार्तिक आर्यन, जो बाकी काफी अच्छे एक्टर है, काफी पिक्चर में पहले एक्टिंग कर चुके हैं। इस पिक्चर में हीरोइन के रोल कर रही है भूमि पांडे का, जो इस फर्स्ट हीरोइन है, और सेकंड हीरोइन है जो अनन्या पांडे। बाकी पिक्चर काफी अच्छा है। जैसा स्टोरी इस तरह, कार्तिक आर्यन एक मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करते हैं और उनके माँ बाप उनको पढ़ा लिखा के फिर आखिर में उनके सरकारी नौकरी लग जाती है, और हमेशा की तरह उनके लिए घर में लड़की देखा जाता है और उनकी शादी करा दिया जाता है। इससे चलता है वे कानपुर में रहते हैं, कानपुर में गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं गवर्नमेंट स्टाफ की तरह, और भूमि पांडेकर उनकी वाइफ की रोल करती है। बाकी पिक्चर काफी अच्छा है, और इसमें भूमि पांडेकर एक टीचर की तरह होती है, टीचर का किरदार निभाती है। बाकी पिक्चर काफी अच्छा है और पिक्चर का प्रेजेंटेशन काफी अच्छा है, और हीरो का की जिंदगी इस तरह चलता रहता है एक आम आदमी की तरह। फिर उनका एक दोस्त रहते हैं जो है अपारा शक्ति खुराना, जो उनके दोस्त के रोल करते हैं, और सिर्फ इतना नहीं, जब वो अपने ऑफिस में मिलते हैं पहली बार अनन्या पांडे से, तब से उनकी उनकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है और उन्हें अनन्या पांडे पे दिल आ जाता है। दरअसल अनन्या पांडे जो एक्ट्रेस कानपुर में आती है ताकि उनका एक ब्यूटिक शोरूम खोल सके, उसकी परमिशन को लेकर उनसे मिलने आती है, और इससे इनका रिलेशनशिप बढ़ता है। और उन्हें कई बार लोग झूठ बोलते हैं कि दरअसल मेरी शादी नहीं हुई है, और जब शादी होती अगर इस तरह कहते हैं, जब शादी हो गई है तो बीवी का चक्कर चल रहा है किसी और के साथ, इस तरह संभालने की पूरी कोशिश करते हैं, और अनन्या पांडे के साथ पूरे दिन घूमना पसंद करते हैं, और घर में रहते तो बीबी के साथ खुश रहते हैं, तो बाहर आते थे अपने गर्लफ्रेंड के साथ खुश रहते हैं, इस तरह वो लाइफ एंजॉय करते हैं। इस तरह स्टोरी जैसे इस तरह चलता रहता है। दरअसल इस पिक्चर में बाकी जो सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, के रैना जो इनकी सपोर्टिंग एक्टर्स, वो भी काफी अच्छे एक्सपीरियंस एक्टर है, और दूसरे हैं मनु ऋषि, वो भी एक सपोर्टिंग एक्टर्स है, काफी अच्छी एक्टिंग की उन्होंने भी, और अजय शर्मा जो काफी अच्छे एक्टर, वो भी उन्होंने अच्छे सपोर्टिंग एक्टर अच्छी एक्टिंग की उन्होंने, और नवीन पार्थक जो इसे सपोर्टिंग एक्टर्स, और नीरज सुद सपोर्टिंग एक्टर्स, उन्होंने काफी अच्छी एक्टिंग की है लोगों ने, सबने अपना किरदार अच्छी तरह निभाया है। दरअसल इसमें देखने लायक ये है कि डायरेक्टर ने इसे कैसे प्रेजेंट किया है, जो पुराने पिक्चर को लेकर रीमेक करके नए जमाने के अनुसार, नए ट्रेंड के अनुसार किस तरह से प्रेजेंट किया है, आगे ये देखने लायक है। और ड्रेस कोड, गाने तो बार बार गाने आते रहते हैं इस पिक्चर में, गाने काफी ज्यादा है, और इस पिक्चर की पब्लिसिटी के लिए काफी गाने को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था, और बाकी ऐसा होता ही है। तो इस पिक्चर एक एंटरटेनमेंट, एक कॉमेडी एंटरटेनमेंट की तरह आप देखना चाहते हैं, बाकी ये हफ्ते आपके लिए काफी अच्छा एंटरटेनमेंट पिक्चर है, और जरूर देखिएगा, मुझे तो पिक्चर अच्छा लगा, और परिवार के साथ देख सकते हैं, पर अपनी बीवी के साथ जाइएगा, वो के साथ मत जाइएगा, वरना तो कुछ ना कुछ लफड़ा हो जाएगा, जैसा मैं ऐसी मजाक कर रहा था। बाकी पिक्चर काफी अच्छा है, और सिर्फ इतना ही नहीं, इस पिक्चर अभी देखते हैं बॉक्स ऑफिस में कैसे जमा पाएगी और कैसे अपना नाम कमा पाएगी और पैसे भी कमा पाएगी, देखते हैं आने वाले दिनों में किस तरह इसका रहेगा। और इस वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा और मेरा चैनल अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल सत्या भैरव को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अपटूडेट में कोई ट्रेलर या मूवी के बारे में मैं रिव्यू करूंगा तो आपको तुरंत इत्तला हो जाएगा। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, बड़े बुजुर्ग का सम्मान कीजिए, घर में बड़े बुजुर्ग का सम्मान कीजिएगा, परिवारजनों का ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर सर, रिस्पेक्टेड एल्डर्स, जय हिंद, वंदे मातरम।